इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमें करना है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। हमें जी की वैल्यू है उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जी क्या है? यहाँ पे एक्सीलरेशन है जो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। और ग्रेविटी की वजह से होने के कारण इस एक्सीलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब जी निकालने के लिए, जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू चाहिए, दूसरा चाहिए हमें अर्थ का मास, और तीसरा चाहिए हमें अर्थ की रेडियस। तो हमें पता है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, वो होती है 6.7 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब जो अर्थ का जो मास होता है वो भी फिक्स रहता है, उसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁴। क्लियर? और जो अर्थ का जो रेडियस है वो भी फिक्स रहता है, वो है 6.4 × 10⁶ मीटर। अर्थ के मास को हम एम से डिनोट करते हैं, और जो अर्थ का जो रेडियस है उसको आर से क्या कर देते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। अब हमारे पास जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस चाहिए। तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास अब होने के बाद में, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यू को क्या करते हैं, इसके अंदर क्या कर देते हैं, पुट करते हैं। फिर अब हम देखते हैं, फिर हमने क्या करा है कि ये तीनों वैल्यू जो है वो हमने क्या करी है, इसके अंदर क्या कर दी है, पुट कर दी है। तो फिर अब मतलब हमने जी की वैल्यू रख दी यहाँ पे 6.7 × 10⁻¹, एम की वैल्यू रखी 6 × 10⁴ kg, और आर की वैल्यू रखी है 6.4 × 10⁶। फिर जब हमने क्या करा है, इसको पूरा कैलकुलेट किया है, तो इसके बाद में हमें जब कैलकुलेशन करने के बाद में जो जी की वैल्यू जो मिली है वो कितनी हुई है, 9.8। और जो ये जो क्या है, एक एसिलरेशन है जो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। और जो एसिलरेशन का यूनिट जो होता है वो कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हमने किस तरीके से मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ के मास और अर्थ की रेडियस के मतलब बेस पे क्या कर दिया है, मतलब इस जी की वैल्यू को क्या कर दिया है, कैलकुलेट किया है, जो कितनी होती है, 9.8 m/s² होती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मतलब जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है मतलब जी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, और जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन होता है उसको हम किससे करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है, जो मतलब ग्रेविटेशन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 9.8 m/s². मतलब जो दोनों की वैल्यू है उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्लियर? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर मतलब कोई मतलब मैग्नीट्यूड होगा इसका। इसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होता है, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। क्लियर? अब इट इज द वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। जो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जो होता है उसकी जो वैल्यू जो होती है वो हमेशा मतलब क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, और हर जगह जो होती है इसकी वैल्यू क्या रहती है, मतलब एक ही रहती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होती है, अलग होती है। जैसे अर्थ का जो इक्वेटर होता है उसके अंदर जी की वैल्यू जो होती है वहां पे कम होगी, लेकिन पोल्स के ऊपर जो जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ये थर्ड डिफरेंस था। अब फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि क्या मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।